हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक है लविशिज गेमिंग का चैनल, एंड आप लोग देख रहे हैं एक और बार अनबॉक्सिंग वीडियो, जिसमें कि मैं फिर से एक शू की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो कि होने वाला है रेड टेप से ही। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो देखा था, वो भी रेड टेप का था, ये भी रेड टेप का होने वाला है। जल्दी से ओपनिंग करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं इसका रिव्यू करते हैं, कितना बढ़िया शूज है। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया शूज है। तो फिलहाल तो जल्दी से इसे ओपन करते हैं। मैंने ओपन वैसे कर दिया है, आप लोगों को दिखा देता हूं फिर भी यहां पे कैसे करना है। ये है UK 9 नंबर का शूज है यहां पे, एंड ये लिखा है रेड टेप यहां पे। इसने स्पोर्ट्स वेयरिंग शूज है, स्पोर्ट्स में आता है ये शूज, एंड लेट्स सी, देखते हैं कैसे होने वाला है। ब्लैक कलर का है वैसे, एंड लेट्स सी, लेट्स होप कि अच्छा ही हो। मेरे को मिला है 1319 का मिला है। पहले ये 1900 something 80 का मिल रहा था, उसके बाद थोड़े दिन वेट करने के बाद में 1320 इन्होंने प्राइस ड्रॉप कर दिया, एंड ये मिल रहा है 1320 का जब मैंने खरीदा था। अब शायद से फिर से वापस से इसका रेट शायद चढ़ गया होगा, आई डोंट नो, बट ये है इसका बिल। एंड 45 डे वारंटी देता है ब्रांड आपको, एंड ये रहा शूज़ यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया शूज़ है ये, मेरे ख्याल से बहुत ही सेक्सी शू है ये। यहाँ पे स्पोर्ट्स वेयरिंग में आता है, स्नीकर्स में नहीं आता। ये रहा इसका नीचे सोल टाइप, जो कि रबड़ का बना है, जिसमें कि रबड़ का बना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रिप जो है वो अच्छी होने वाली है नीचे। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये यहाँ पे दिख रहे हो आप, अगर आप लोगों को दिख रहा हो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ब्लू ब्लू और मिक्सचर किया है, वॉयलेट ब्लू और वॉयलेट का मिक्सचर किया है, जो कि दिखने में बहुत ही सेक्सी लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अगर, तो ये यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे इन्होंने ब्रांड, जो ब्रांड का टैग है वो ये है यहाँ पे रेड टेप का। एक और यहाँ पे सिंबल आता है, और जो सोल है, सोल काफ़ी सही सोल है, यहाँ पे रबर का शोर है, ताकि जो ग्रिप है वो अच्छे से बने। एंड स्पोर्ट्स वेयरिंग में आता है, तो मतलब इसके जो कुशन्स होने वाले हैं स्नीकर से भी अच्छे होने वाले हैं। आप लास्ट टाइम आपने जो लोग देखा था अनबॉक्सिंग वीडियो, वो स्नीकर का था, ये स्पोर्ट्स शूज़ है। यहाँ पे रेड टेप फ्लो प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा हो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो फ्लो प्लस यहाँ पे अगर दिख रहा हो, सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, यहाँ भी फ्लो प्लस लिखा है अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है फ्लो प्लस, यहाँ पे शायद उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जल्दी से इसे ओपन करते हैं, लेट्स सी, देखो यहाँ सामने से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ ये, तो ये जो है यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नेट नहीं है, ये अलग टाइप का नेट है, ये एक कपड़े वाला नेट है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर नेट होता ना, नेट अगर ये नेट होता तो ये दोने से फट जाएगा, जिसकी वजह से इसमें सुराख हो जाएंगे, लेकिन ये नेट के टाइप में एक कपड़ा आता है जो कि नेट की तरह लग रहा है, बट नेट है नहीं। और ये जो यहाँ से अगर आप लोग देख रहे हो, ये जो डिज़ाइनिंग है यहाँ पे, ये जो डिज़ाइनिंग है, ये आप बोल सकते हो कि इलास्टिसिटी है इसमें, एंड काफ़ी रबर टाइप भी है, ये काफ़ी बड़ा शू लग रहा है ये, लेकिन बहुत ही सेक्सी होने वाला है। क्योंकि स्पोर्ट्स वेयरिंग जो शूज़ होते हैं वो यहाँ से सोल से थोड़े से बाहर ही निकले होते हैं, तो ताकि जो बड़े साइज में दिखे। अंदर से ये 9 नंबर ही है, और अंदर से इसमें जो सोल डाला हुआ है वो ब्लू कलर का है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, अंदर जो लिखा है ड्रिफ्ट रेड टेप ड्रिफ्ट प्लस परफॉर्मेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लोग देखो ध्यान से, मैं अगर आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो रेड टेप ड्रिफ्ट प्लस परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, ब्लू कलर का सोल है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड हाँ, जो ये बीच में ये जो बनाया है, ये नेट में है, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो बीच में ये भी नेट है, लेकिन ये नेट वो वाला नेट नहीं होता जो कि बाकी कैजुअल स्पोर्ट्स वेयरिंग शूज़ में होता है। तो ट्राई करें, पहन के ट्राई करते हैं, एंड लेट्स सी, देखते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये दो कलर में आ रहा है इसका, यहाँ पे ये ब्लैक है, यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर में आ रहा है, ये थोड़ा सा व्हाइटिश सिल्वर में आ रहा है ये, यहाँ पे ब्लैक, और बीच में जो ब्रांड का लोगो है वो है, बीच में ब्रांड का लोगो अगर यहाँ से ऐसे देख रहे हो। काफ़ी अच्छा सोल मटेरियल है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है सोल पे। तो ये रहा, एंड दोनों शूज़ मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे ओके, ये रहा दूसरा भी इसका पैर, अगर मैं आप लोगों को ऐसे दिखाऊँ। लास्ट में मैं यहाँ फोटोज़ भी डाल दूंगा इस पर, ये रहा यहाँ पे फोटो, ये रहा यहाँ पे शूज़, ओके ये रहा ऐसा, ठीक है। तो ब्लू कलर का अंदर है, नीचे पीछे ये सील टैग लगा होता है, अगर रिटर्न करना हो तो ये सील टैग तब तक नहीं तोड़ो जब तक आपको पसंद ना आ जाए, रिटर्न नहीं, अगर रिटर्न करना है तो ये सील टैग टूटा होना चाहिए, वरना
वापस नहीं जाएगा। अगर एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा हो वीडियो में, ये थोड़ा सा ना रेनबो कलर में आता है, ये जो पैटर्न है ना इसका, ये जो कलर है ना इसका, ये थोड़ा सा मतलब जब इस पर ब्राइटनेस पड़ रही है तो थोड़ा सा ये रेनबो कलर दे रहा है, रेनबो कलर फेंक रहा है, जिससे कि काफ़ी अट्रैक्टिव शाइनी शाइनी लुक मार रहा है एक तरह का। यहाँ पे ये रहा यहाँ पे शूज़, अगर आप लोग देखो ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, काफ़ी बढ़िया शूज़ है। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को कि स्पोर्ट्स वेयरिंग शूज़ अगर लेना है तो ये 1300 में बहुत ही सस्ता शूज़ और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का शूज़ आ रहा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हो सकता है इसका प्राइस अप हो जाए लेकिन वर्थ इट है। अगर आप 1900 में भी लेते हो तो वर्थ इट तो है ये। यहाँ पे आप लोग डिज़ाइन देख रहे हो, ये वाला डिज़ाइन जो है, ये देखो ये डिज़ाइन जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है ये भी डिज़ाइनिंग में। एंड यहाँ भी अलग अलग मटेरियल यूज़ किया है, देखो यहाँ पे अलग मटेरियल है, यहाँ पे अलग मटेरियल है, ओके। इलास्टिसिटी पॉलिस्टर भी आई थिंक इसमें डाला हुआ है। एंड आगे जो है, आगे बी ब्रांड का लोगो है, ये देखो आगे बी ब्रांड का लोगो डाला हुआ है इन्होंने। तो लेट्स सी वेयरिंग करके देखते हैं एंड इसको इसमें चल के देखते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी सूदिंग है, काफ़ी मेरे को फिट भी पहुँचेगा जहाँ तक मुझे लगता है। एक बार पहन के देख लेता हूँ फिट, ओके। तो गाइज ये रहा यहाँ पे पहन के, मैंने ट्राउजर के ऊपर पहना हुआ है ये शूज़, काफ़ी तो शायद से आपको दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन जीन्स पे काफ़ी अच्छा जचेगा ये, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ये शूज़। आप लोग देख रहे हो ये रेनबो कलर यहाँ से फेंक रहा है एंड ये ब्लूइश ब्लूइश में थोड़ा सा इन्होंने प्लास्टिक में, प्लास्टिक भी नहीं कह सकते इसको, अलग ही मटेरियल है ये, थोड़ा ब्लूइश और वॉयलेट में थोड़ा सा शाइनी लुक दे दिया है यहाँ पे पीछे से। एंड ये फिर से बता रहा हूँ, ये जो है ये नेट नहीं है, ये कपड़ा है, नेट होता तो वो दोने से फट जाएगा। तो ये रहा यहाँ पे आगे से जो है ये पॉलिस्टर है, इलास्टिसिटी है इसमें एंड बहुत ही परफेक्ट फिटिंग है, हर जगह से कुशन लग रहे हैं, यहाँ से कुशन लग रहा है इसका, यहाँ से भी कुशन लग रहा है कि फील हो रहा है ऐसे कि कुशन, यहाँ पे भी कुशन लग रहा है और नीचे जो पैर हमने रखा हुआ है नीचे सोल में, यहाँ पे भी कुशन लग रहा है इसका कि कुशन है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप स्पॉन्ज पे चल रहे हो, काफ़ी अच्छा सोल मटेरियल है एंड काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से स्पॉन्ज मटेरियल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इसका। ये यहाँ से अगर देख रहे हो ये भी स्पॉन्ज है, फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है स्पॉन्ज स्पॉन्ज जैसा, स्पॉन्जी स्पॉन्जी फील हो रहा है। तो मतलब कि काफ़ी अच्छा हाई रिकमेंडेड स्पोर्ट्स वेयर शूज़ है रेड टेप का, मैं लिंक डाल दूंगा एंड अब मैं फोटोज दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो गाइज ये था यहाँ पे रेड टेप स्पोर्ट्स वेयर शूज़ का अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। आने वाले दिनों में एक और रेड टेप स्नीकर का अनबॉक्सिंग वीडियो आने वाला है और बहुत ही मेरे को वो, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो बहुत ही सुपर्ब कलर में आता है, सुपर्ब कॉम्बिनेशन में आता है एंड मैं मतलब उसको कब से वेट कर रहा था कि वो शूज़ मेरे पास आए और वो स्टॉक में ही नहीं था, बहुत 2-3 महीने के बाद में वो स्टॉक में आया, तो वो आएगा एंड उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आ जाएगी। इस चैनल में जुड़ने के लिए आप लोगों को बस यही करना है कि सब्सक्राइब का बटन दबाना है, देन उसको ऑल पे क्लिक करना है ताकि आपको जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए वो आते रहे, आपको अलर्ट आते रहे। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी तगड़ा शूज़ है, काफ़ी अच्छी ग्रिप है इसमें एंड काफ़ी अच्छे कुशंस है, आप लोगों को बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा इसमें, हाईली रिकमेंडेड स्पोर्ट्स वेयर है ये। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, पसंद आता तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर पिछली वाली अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखे, आई बटन पे मिल जाएगी, आप लोग जाके वहाँ भी क्लिक करके देख लो एंड अपने भाई को सपोर्ट करो, बस यही चाहता हूँ। एंड तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।